नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का मंदस किचन में स्वागत है। तो आज मैं सोयाबीन से दो अलग अलग रेसिपी बनाने वाली हूँ। कुकर लिया है मैंने, प्रेशर कुकर, उसमें मैंने ऑयल लिया है। एक मीडियम साइज प्याज लिया है, लहसुन का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, एक टमाटर, हरी मिर्च, इन्हें 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। जीरा लिया है मैंने 1 चम्मच, गरम मसाला किचन किंग 1 चम्मच, तीन हरी इलायची ली है, सभी चीज़ों को भूनने के बाद, फ्राई होने के बाद इसमें मैंने 3 ग्लास पानी लिया है और इसे उबालने देते हैं। जिस ग्लास से मैंने पानी लिया था उसी ग्लास से मैंने 1 ग्लास मैंने राइस लिए हैं। राइस मैंने धो लिया है और इसमें अभी डाल लेते हैं। चाहे तो इसमें ज़्यादा आपको अगर स्पाइसी चाहिए तो आप खड़े मसाले डाल सकते हैं। इसमें मैंने अभी सोयाबीन चंक्स जो थी वो धो के इसमें मैंने डाली है। स्वाद के अनुसार लिया है मैंने। मिक्स करके इसे हमें इसका ढक्कन जो है लगा लेना है। इसकी 3 से 4 सीटी हमें लगा लेनी है और प्रेशर कुकर को ठंडा होने देते हैं। इसमें ठंडा होने के बाद मैंने इसे खोल लिया है। बहुत ही सिंपल हमने ये रेसिपी बनाई है, इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी जल्दी ये रेसिपी हमारी बन जाती है। इसे मिक्स कर लेना है ताकि हमारे जो सोया चंक्स है पूरी तरह इनमें मिक्स हो जाए। अभी हमारा जो है सोयाबीन राइस बनके तैयार है। बहुत ही खिला खिला हमारा सोयाबीन राइस बना है। रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दूसरी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ मैं। उसके लिए मैंने सोयाबीन को पानी में
गर्म पानी में डाल लिया है और इसे उबाल लेने हैं। अभी अच्छी तरह से पक चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेना है छन्नी में। ठंडा होने देते हैं इसे। तब तक मैं मिक्सर के जार में अदरक लहसुन लिया है मैंने, हरी मिर्च ली है, प्याज लिया है और जीरा लिया है एक चम्मच। इसका बारीक पेस्ट मैंने बना लिया है। कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च। अब मैंने जो पेस्ट बनाने के लिए रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल ली है। इसे पकने देते हैं, तब तक हम पैन में ऑयल लेते हैं और जो सोया चंक्स हमने रखे थे साइड में उनमें से पानी निचोड़ के मैंने इसमें डाल लिया है और 2-3 मिनट तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है, इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक। अब जो मसाले भून रहे थे वो भी अच्छे से भून चुके हैं। उसमें मैंने अभी हल्दी पाउडर लिया है, लाल मिर्च ली है, इसमें मैंने मिक्सर की जार में थोड़ा पानी लेके इसमें डाल लिया है। इसे अच्छे से ऑयल अभी बना चुका है। इसमें मैंने दही लिया है, 2 चम्मच दही लिया है मैंने। आप चाहे तो दही की जगह पे मलाई, थोड़ी एक्स्ट्रा मलाई डाल सकते हैं। मैं भी डालने वाली हूँ मलाई, लेकिन मैं बाद में डालूंगी। कसूरी मेथी ली है, थोड़ा गरम किचन किंग मसाला लिया है, हरा धनिया लिया है, इन सभी चीजों को हम 10 मिनट तक पका लिया है। उसमें मैंने अभी फ्रेश मलाई ली है। अभी हमारी सोयाबीन की ग्रेवी वाली सब्जी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।